मेरे अगले वीडियो में आज मैं आप लोग को टेंस में पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी पास्ट टेंस के पार्ट और उसके बारे में बताएंगे। तो इसमें जो जो चीजें हैं वो आप लोग को सामने मैं आप लोग को बताऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट जैसे अभी तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में मैंने बताया है। तो उसी में ये अगला वीडियो टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इस वीडियो को जल्दी जल्दी लोगों को और शेयर करें और जोड़े इसमें और लोगों को। चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे उसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज करते थे, इसमें हेल्पिंग वर्ब ओनली एक लगेगी जो है डिड। तो यहाँ पे सबसे पहले इसकी हम बात करेंगे पहचान की। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहचान पहचान की बात करेंगे तो इसमें लास्ट में ता था, ती थी, ता थे, ते थे कर लीजिए आदि, ये शब्द आया है गया है ये भी इसी में आ जाते हैं। जैसे महेश बाजार गया, सुरेश खाना खाया, तो ये शब्द भी इसमें आते हैं, ये भी इसकी एक पहचान होती है। लास्ट में या शब्द भी आ जाता है, या है या आदि, ये शब्द आते हैं। अब इसकी बात हम हेल्पिंग वर्ब की करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब में इसमें केवल डिड का यूज किया जाता है, वो भी निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में हम डिड का यूज करते हैं, और पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने में हमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगानी होती है। इसके बाद आ जाते हैं वर्ब की बात करेंगे तो वर्ब में इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म ये चीज होती है। तो इसका आज हम पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस जो हम कह सकते हैं उसके बारे में पहले बताएंगे, उसके रूल हम बताएंगे। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की चर्चा कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे सिंपल सेंटेंस जो होते हैं वही अफर्मेटिव सेंटेंस में होते हैं। इसका रूल जो बनेगा वो हमारा हो जाएगा, रूल है हमारा सिंपल सा, सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर देते हैं, फिर हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट, फिर हो जाता है अदर वर्ड। अब इसमें जो एग्जांपल्स इसके बता देते हैं, इसका रूल जैसे पास्ट टेंस के होते हैं उसी तरीके से पास्ट में जितने भी पार्ट होते हैं उसमें सभी जगह हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का करते हैं, इस तरह है। तो इसमें बात करेंगे जैसे पहला सेंटेंस हमने लिख दिया, राम किताब पढ़ता था, ये हमारा पास्ट टेंस का एक सिंपल सा वाक्य नोट कर दिया है। और इसको अब करने में बस इसी रूल को ध्यान देना हमको, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो हो जाएगा हमारा राम, राम और वर्ब की सेकंड फॉर्म रीड का, रीड ही होती है सेकंड फॉर्म, राम रीड द बुक, बस ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। ये एक सिंगुलर का था, इसी तरीके से प्लूरल का बनेगा। अब एक एग्जांपल प्लूरल का हम बता दे रहे हैं, जैसे हम बाजार जाते थे, हम बाजार
जाते थे। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा है हम, तो हम की इंग्लिश लिख देंगे वी। अब जाना की गो होती है, तो गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट। वी वेंट टू द मार्केट, टू द मार्केट। ये हमारा बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स हो गए। इसी क्रम में अब हम इसके निगेटिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे। निगेटिव सेंटेंस बनाने में कुछ नहीं करना है, केवल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो हमारी डिड है उसका यूज करेंगे, डिड के साथ हम नॉट लगा देंगे। तो यहाँ पर इसका भी निगेटिव का एक रूल बनाए दे रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान से समझ समझ के अपना करते रहें, देखते रहें। अब इसमें जैसे निगेटिव सेंटेंस का रूल है, निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस में क्या है रूल इसका होता है, रूल बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस इसमें हेल्पिंग वर्ब तुम्हारी क्या लग जाएगी, डिड लग जाएगी, और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ये हमारा बनता है रूल। इसमें बस यही चीजों को थोड़ा थोड़ा ध्यान आप लोग देते रहें कि इसमें कहीं मिस्टेक ना होने पाए। यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाएगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। यहां ध्यान देना क्योंकि सेकंड फॉर्म केवल जो अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है उसी पर यूज करते हैं, और इस पर हमको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो ये हमारा निगेटिव का रूल क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये चीजों को लेके बनाना है। इसके एक दो एग्जाम्पल्स हम बताए दे रहे, एग्जाम्पल्स जैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल्स जैसे महेश खाना नहीं खाता था, महेश खाना नहीं खाता था, ये सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट हमारा है महेश, महेश डिड नॉट ईट द फूड, ये हमारा सेंटेंस बन गया। निगेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल, इसी का हम एक प्लूरल बना देते हैं, जैसे तुम कपड़े नहीं धोते थे, तुम कपड़े नहीं धोते थे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, फिर डिड लग जाएगा, डिड, फिर नॉट लगा देंगे, फिर धोता की वास फर्स्ट फॉर्म, द क्लॉथ्स, द क्लॉथ्स, ये हमारे निगेटिव सेंटेंस। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस, दोनों मैंने क्लियर कर दिया है। अब बात करेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसके बारे में थोड़े से बता देते हैं, इसके और दो एक और भी एग्जाम्पल इसके हम करवा देते हैं, लेकिन जगह कम है जिसकी वजह से। तो ये समझ में आ गया, तो इसे अरेंज कर दें। ये निगेटिव सेंटेंस अभी लिखा है, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब क्वेश्चन वर्ड पहले आए, जब क्वेश्चन वर्ड पहले आए तब के लिए रूल क्या बन जाएगा। रूल सिंपल सा वही रहेगा जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो रूल रहता है उसी तरीके से है, बिल्कुल सेम, और कोई चेंजेस नहीं है। तो जब क्वेश्चन वर्ड पहले आए तो इसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या लग जाएगी, डिड लग जाएगी, फिर सब्जेक्ट लग जाएगा,
फिर हमारा हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूले, अगर क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते तो आधे ज्यादा सेंटेंस हमारा मिस्टेक हो जाता है। तो ये हमारा रूल, जब इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड पहले आए तो उसके लिए ये रूल बन गए। अब इसके एक दो एग्जांपल्स, एक सिंगुलर और एक प्लूरल हम करके आप लोग को बता दे रहे हैं। तो इसका जब पहला एग्जांपल्स बन जाएगा, क्या मुकेश चाय नहीं पीता है, ये बन गया सिंपल सिंगुलर नाउन का एक। अब इसमें करना क्या है, सेम ये रूल लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ डिड लगेगी, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो यहाँ पर देखते हैं पहले क्या लगा देंगे, डिड, फिर यहाँ पे मुकेश, फिर हो जाएगी पीता की ड्रिंक, टेक कर दो, ड्रिंक की जगह पे टेक कर दे, चाय पीना में टेक का यूज करेंगे, यहां लगा देंगे टेक द टी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डिड मुकेश टेक द टी। ये बन गया हमारा सेंटेंस सिंगुलर का, यानी एक वचन का। अब इसी में एक प्लूरल बना देते हैं हम, तो यहां पे प्लूरल में क्या हो जाएगा, जैसे क्या तुम गांव जाते थे, ये बन गया क्या तुम गांव जाते थे। सिंपल सिंपल से वाक्य है, इन्हीं से हम आसानी से ट्रांसलेशन के रूल को समझ सकते हैं, इसलिए मैं इतने इजी क्वेश्चंस को लेके करता हूं, बाद में इसकी एक्सरसाइज भी हम करवा देंगे। अब यहाँ पे जैसे क्या तुम गांव जाते थे, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी डिड, यू डिड यू गो टू द विलेज, विलेज क्वेश्चन मार्क। ये मतलब एक हो गया सिंगुलर का, एक हो गया प्लूरल का, दोनों में हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दिए, इसी क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है। अब हम बात करेंगे अगले सेंटेंस की, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए। अब इसको ध्यान देते हैं इधर का रेज करके, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तब देखते हैं। यहां लिखेंगे जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आए, तो यहां पर रूल इसका क्या बनेगा, रूल बन जाएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या लगेगा, डिड लग जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके एग्जांपल्स दो कर दें, रमेश कपड़े क्यों धोता था, क्वेश्चन मार्क। तो क्यों की इंग्लिश भाई, पहले क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड क्यों, यहां पर यही चीज को ध्यान देना कि सबसे पहले हमको क्वेश्चन वर्ड को रखना है पहले। यहाँ क्वेश्चन वर्ड हमारा है वाई, वाई डिड रमेश वॉश द क्लॉथ्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर है हमारा, वे जंगल में क्यों टहलते थे, टहलते थे। अब इसमें देखो, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड क्यों है, तो यहाँ पे वाई लगा देंगे, वाई डिड दे टहलना की वॉक इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क।
तो ये हमारा रहा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, मैंने इसके जितने सेंटेंस थे वो बता दिए, अफर्मेटिव, निगेटिव और ये इंट्रोगेटिव के दोनों रूल्स मैंने बता दिए हैं। तो इसको ध्यान से नोट कर ले और समझ ले, और लोगों को भी इस चीज की जानकारी आप लोग बताते रहें।